नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्ध समुदाय का टेलीविजन पर कार्यक्रम अलग के अगली रात इसने कैमरा पर्सन नारायण के साथ में आते ये कार्यक्रम रे के हमरे हमन की समाज के विकृति हटाए के तमाम विषय वस्तु संवेश कल जत और हमन के असल समाज कैसे निर्माण कैसे कि और इतने बरना हो के कि हमरे हमन के जीवन सफल बनाए के खातिर का करे परी और साथ में हमन के जान पहचान व्यक्ति से वहाँ के विचार भी आदान प्रदान करे के साथ में हमरे असल समाज निर्माण के सूत्र पता लगे कोशिश कर जत। आज हमन लग अतिथि बाटे लक्ष्मण थारू मोतीपुर से हमरे वहाँ से रह के बातचीत कर जी और आप भी संगरी साथ रह जी कार्यक्रम संस्कृति सरोवर और कार्यक्रम में रह के आप भी संगरी साथ रह जी अंतिम समय तक ऐसे ने कार्यक्रम में आपकी स्वागत कर जाता। धन्यवाद। हाँ तो वैसे आप आज हमने के नौता स्वीकार के काल गिल बा अते सबसे पहले हमरे हमने के जो समाज असल बनाए के हमने के का कार्य पर जी चलाता आपके विचार में। हमार विचार में ते सबसे पहले नेतृत्व चाहिए, आगे बढ़ाए के लिए कोनो चीज काम करे के लिए एक ठो नेतृत्व के आवश्यकता पड़त। वैसे समाज के असल नेतृत्व जब रही तब समाज के संपूर्ण के डुरा के आगे ले जाई यह आवश्यकता पड़त कि हम अपन मन से कहा है। हाँ तो वैसे हमन के असल समय समाज निर्माण बनाए करती हैं जो हमन के तमाने ओर से पहाड़ होते रहते वैसे हमारे हर एक समय में ऐसे कार्यक्रम करते रह जाते ते साथ में हमन के जो आज के नया वर्ग बाटे युवा लोगन बाटे और हमन के बूढ़ पुराने बाटे ते खास के किकर भूमिका आवश्यक बा जी हमन के समाज बड़ी न हो सके। सबसे पहले ते हमन के अब बुद्धिजीवी बूढ़ पुरनिया जौन पहले के रीति तिथि परंपरा संस्कृति वेशभूषा उस समय में है वह ठीक रहे। अब के समय में नया नेतृत्व नया युवा के पालो अब सोच परिवर्तन शिक्षा विभिन्न आपके जो परिवर्तन होत बा वो अवस्था के नज़रअंदाज करते आगे बढ़ना नेतृत्व एक ठो रही तबे ठीक रही। हाँ तो वैसे हमन के जो पहले के हमन के बूढ़ पुराने बाटे ओखन के भी आज के युवा लोगन बाटी सुझाव सलाह कितना वो सब दे बाटी बगिन का आज के युवा लोगन भी कितना आगे बढ़ पहले बाटी के कति के सहजी विषय में। अब ये विषय में कहा जाते अब आपके अवस्था में थे थारू संपूर्ण जाति अब जेकर पहुँच बा राज्य के निकाय से तो वो अपन लाइन अपन लैका पैका सुधारत आगे बढ़ावता। लेकिन हमन के थारुन के एक हिसाब से वक्त समग्र जाति में ही कुल कमी कमजोरी बा लेकिन तव पर भी हमन के जाति में एक सोझोपन पुरान अब पहले सिस्टम से चलत जात बा लेकिन नया समय अनुसार बदले के नहीं सकले के नाते से अब बूढ़ पुरनिये भी पहले जौन रीति थीति परंपरा रहे वही भुलात अब के अवस्था में परिवर्तन न कैले सकले के नाते से अब वो समस्या आज हमन के युवा अवस्था में आवत बा। हाँ तो वैसे जो हमन के जो युवा लगन बाटे असर समय समाज बनाए के लिए ओखन के भूमिका आवश्यक बा काल के मतलब। अब सबसे पहले तो अब हमरे एकजुट होए पड़ल सर सलाह एक आपस में शेयर करे पड़ल बोल बत की बतवाए पड़ल कि हमरे छलफल कैल जा कोनो चीज आगे बढ़ना कोनो चीज सोच बनाइल जा परिकल्पना कैल जा एकता बनाइल जा कोनो चीज कैल जा। अब जैसे भी हमन के अब माघी अब खिचड़ी आत्मान हमन के कला संस्कृति बा वेशभूषा बा समय समय पर कामों भी होते जात बा करते बाटा लेकिन ओके सिस्टमेटिक तरीका से ना होके अब कला संस्कृति दे देखा चक्कर में अब दूसरे तीसरे गाना बजाना के चक्कर में अब विविध समस्या उत्पन्न होता ओके कैसे अनुशासित बना के आगे बढ़ल जा कैसन के हम पर का कहना आगे बढ़ना है उठा रास्ता खोजल जा कहीं के हमन के एक आपस में सलाह कह के आगे बढ़े तब्बे एक ठो हमन के सबसे पहले तो नेतृत्व चाहिए हमन के असल नेतृत्व के खाँचो बा। हाँ तो वैसे इतना करें हमारे देखा जाता बा कार्यक्रम संस्कृति और बुद्ध बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर ऐसे हमने लग आज अतिथि बाटे लक्ष्मण थारू मोतीपुर से तो वैसे हमने के जो भर के
बातचीत कल जाता कि हमन के असल सभ्य समाज निर्माण करे खातिर का करे परिते जुन के बातचीत कल गेल अब वैसे हमन के 12 महीना में तमने चाड़ पर्व आते और अक्सर कह के देखल जित हमन के माघी यानी कि खिचड़ी महोत्सव भी हर एक जगह में मनाए के चलन बढ़ते जात बा ते ये माघी से का हमन के समाज असल हो सकी। अब ई त वर्ष में आए वाला चाड़ पर्व हो वर्ष में एक बार आवला नचले कूदले भर से हमन के कला संस्कृति वेशभूषा पहचान ई कुल तमाम के विकास नहीं हो सकी। समय में नाचल जाला समय में गाना बजाना कैल जाला समय में पढ़ल लिखल जाला समय में खेती किसान कैल जाला समय में अपन औरों काम भी कैल जाला शिपमूलक काम भइल तमाम किस्म के अब जैसे कि आपके व्यापार बिजनेस में भी हो तो समग्र रूप से हेरल जाते हमरे हरेक चीज़ में आगे बढ़े चाहे कहीं के हमार सोचाई में लागत कि हमरे जब तक कौनो चीज़ ना कल जी समय अनुसार अपने बदले ना सकल जी तब तक हमन के उन्नति प्रगति ना हो सकी। तो हम पहले ही कही चुकल बाटी कि हमन के नेतृत्व के खाँचो बा और हमन के नेतृत्व आगे बढ़ाए खे खातिन एक आपस में सहकार कह के आगे जाए जरूरी बा। वैसे तो हमन के सदियों अब से पिछड़ल कह के कहना लेकिन पहले के थारू पिछड़ल नहीं रहा। अब जैसे कि हमन के इतिहास बा राजा सुदोधन भैला दंगसर राजा भैला एक तो हमन के इतिहास एक ठो उजागर करत बा वैसे तो हमारे यहाँ के धरती पुत्र होली आ हमन के हरेक चीज़ से लड़ के हमन के बाऊ बाजे बराजू यहाँ तराई में जीव जंतु कीड़ा फटेंगरा से लड़ के बहुत संघर्ष करके ई तराई में आज ई अवस्था तक आज वह बूढ़ पुरनिया नहीं रहा हुई था ना कैले हुई था तो आज हमरे ई अवस्था में नहीं आए जा परिवर्तन तो भइल बा लेकिन आज की अवस्था में परिवर्तन के हिसाब से हेरल जा ते आदमी के स्तर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई लेकिन हमरे कहला थारू जाको तई कह के मतलब हमरे अभी जही तही बाटी ते आगे बढ़े के लिए हमरे सबसे पहले एकता बनाए के पड़ी गांव गांव में जन चेतना जगाए के पड़ी एक आपस में बूढ़ पुरे से सहकारे कह के सर सलाह ले के पड़ी पुरान रूढ़ीबाजी जौन बाबू के हटाए के पड़ी बूढ़ पुरन के सलाह सुझाव और आए वाला जौन युवा पीढ़ी बा ई लोगन के भी ई कुल के बारे में सचेतना जन चेतना जगाए के पड़ी कह के हमार कहाई ई लागत ते हमन के जो असल सभ्य समाज निर्माण के करतीन हमन के युवा लोगन जो बाटे कौन के भूमिका आवश्यक बा ते ऊ सब अब एना दिन में हमन के समाज परिवर्तन करे कौन एक माध्यम अपनाए पड़ी ताकि हमन के समाज असल बन सके। अब माध्यम ते तमाम बा आपके जैसे अब हमरे एक सामान्य रूप से सोचल जाते हमन के 12 महीना में 12 थरी के चाड़ पर्व ते हमें से हमरे एक देवी देवता भी बाटा हमन के पूर्वज लोग मानत आयल के डिहार भइल चन्नी भइल गांव गांव में हरेक ठाव पूर्व मेची से लेके पश्चिम महाकाली तक के देवी देवता के आधार बा वहाँ हमरे एकजुट होके पूजा पाठ विधि विधान एक रूपता सलाह सुझाव ले सकल जाई। दूसरा हो गया मनोरंजन के रूप में आपके खिचड़ी महोत्सव गांव गांव नगर नगर से हमन के कला संस्कृति वेशभूषा पहचान लेके हमरे चाहिए कार्यक्रम कल जात अब वहमें भी हमन के एक सहकारे आगे बढ़े वहीं में भी नेतृत्व छनौट करे भी हमन के अवसर मिली वहमें से भी ढेर जन चेतना जागी ऐसे तमाने हमन के बड़की अतवार बा वैसे अब ये द्वितीय का कहना आपके हमार तनिक थोड़ा सा बिसर गई अब यहमें भी धूमधाम से हमन के मनावला देखल जाला तमाम किस्म के ऐसा एकता बनाए नहा सलाह सुझाव ले नहा तमाम किस्म के चाड़ पर्व बा ते हमें से हमारे ढेर प्रॉफिट ले सकल जाए बिजनेस भी व्यापार भी यहीं से हमन के स्टार्टिंग हुई यहीं में से हमन के कला संस्कृति भी जोगल रही यहीं में से हमन के बूढ़ पुरान लोग झिंगुरी मचिया खटिया बीनत रहला लेकिन अब ऐसा जमाना ऐसा समय आ गया अब वो हमन के दगार व्यवस्थापन न मिले कारण से नहीं तो पर्यटक लोग आवला
वहाँ से भी ढेर आमदनी कर सकल दी व्यापार के दृष्टिकोण में भी आ राजनीतिक हिसाब से भी हमरे एकता बना के कोनो चीज कर सकल दी कह के हमार बनाई हुए हो। हाँ तो वैसे हमारे जो हर एक चाट पर्व में अपन संस्कृति देखा आवश्यक बा हमन के जो भाषा और हमन के पहिरन खान पीन हर एक चीज हमन के लोप होते जात बा तो वैसे हमन के भरखे माघी सम्पन्न कल गेल खिचड़ी सम्पन्न कल गेल का ये माघी से हमन के संस्कृति बच सके जैसा लागत माघी भर से कहले से ना बची राज्य भी एक ठो हमन के यहाँ के आदिवासी होली हमरे हमन के राज्य से भी हमन के कौनो चीज एक ठो योजना बना के यहाँ के कला संस्कृति वेशभूषा परंपरा रीति थीति एक उजागर करे के लिए भी आ पर्यटन के दृष्टिकोण में भी हमन के एक ठो योजनाबद्ध बना के हमन के आगे बढ़ाए जौन सोच विचार कह के जौन एक ठो सिस्टमेटिक तरीका से हमन के एक ठो योजना सरकार मांग करे ल्याने गांव गांव में रहल के तमाम बड़घर भैला मुखिया भैला यहाँ के रीति थीति करे वाला बुढ़ पुरनिया भैला दीदी बहनी लोग भैला आमा बुआ लोग बाटें अभिन भी जीवित बाटें बहुत सच चीज बा हमन के आगे बढ़े के लिए। यह में आपके हमन के जैसे चाँड पर्व अब माघिए के विषय वस्तु कहाल जाए एक हिसाब से माघिए में भी देखल जा घरे से अपन जोर तोर लगा के ढकिया मौनी कला संस्कृति अपन बना के कितना मेहनत से लेंगा फरिया तमान अपन हमन के थारुन के पहिरन लगा के जोन बाकी उदिन माघी के दिन रमैलो कैल जा कही के एक ठो नया वर्ष उ बेला में है हमन के अब बुढ़ पुरनिया के हिसाब से एक ठो बदगी कही जाते हमन के बुढ़ पुरनिया अभी तक भी कहाला कि माघी आयल यानी कि उस समय में है माघी के मतलब कि उ दिन हमन के नया वर्ष खाइल पियल जा ओकर बाद में जैसे उस समय में है जिम्मेदार लोग रहने उस समय में खा पी के अपन लोग हरुआ चरुआ जौन धैले रहना अब तो उस समय तो नहीं बा समय अनुसार परिवर्तन हो चुकल बा लेकिन हमन के वही में से कि मनो यहाँ हमार कार करे मन नहीं लागल हम दूसरे ठाव शिफ्ट हो भाई हमार जीविका बढ़ा दे कह के ये बुढ़ पुरेन लोग कहा अनुसार हम कहा था तो ये बात बा हमन के थारू के कला संस्कृति वेशभूषा पहचान हमन के जोगा के लिए सबसे बड़ी थे सरकार जिम्मेवार बा जबले सरकार से हमन के कोनो चीज़ ना कह दे कोनो चीज़ उठो एजेंडा बना के ना ल्यान दे हमन के शिक्षित कराए वातावरण ना बना दे कोनो चीज़ योजना ना दे तो हमरे अपन मेहनत से थे हमन में पूरा कॉन्फिडेंस बा हमरे यहाँ के धरती पुत्र वही हमन के था बा कौन ठाव कैसन कैसन करे परी कौन कौन सिस्टम से घर द्वार बनाए परी देखल जाता आपके समय में तमाने किसिम के घर बिल्डिंग बना तो देखल जात हो ठेकेदार बट तमान हमन के थारू दाजू भाई लोगन कड़ा से कड़ा मेहनत करत बाटा लेकिन सिप्त बा लेकिन ओकर डिजाइनर इंजीनियर करता हमन में वह इंजीनियर डिजाइनर कह के देत बा ओकर बाद में करत बाटा सिर्फ मेहनत भर करत बाटा लेकिन डिजाइन दी है तो वो डिजाइन भी कर सके हैं हमन के थारू में कोनो चीज कमी नहीं बा काहे से पूर्ववत लोग जो इतना जल जंगल जमीन से प्राकृतिक से लड़ के धरती पर तराई में है जीवित अब एक हिसाब से कहल जाते हमन के कहना नहीं एक ठो मानव भेड भैल बा आपके ते मालूम बा कि नहीं बा वो तो जैसे हमार नाव तनिक दिमाग में रहे नहीं उठी करे सकली लेकिन वो बहुत पुरान हमन के एक ठो मानव जैसे प्रा हमन के हाँ तो वैसे हमन के कितना से कितना पुरान हमरे हैं यहाँ लेकिन हमन के थारू भाई लोगन ये परिवर्तन के समय के दौरान अपने आप के बदले न सकले कारण से आज हमरे ये अवस्था बाटी होते थे अब शय में लगभग 25-30% थारू भाई लोगन सचेत के एक ठो
माहौल बनात बाटा करबे करी हैं समय लागी लेकिन गांव गांव में रहल के हम ते यह कहा गांव गांव में रहल के तमान पढ़ल बुद्धिजीवी कोनो डिग्री पास कैले बा कोनो मास्टर भइल बा तो उ लोगन भी एक ठो जन चेतना के माहौल बना के गांव गांव में एक ठो आगे बढ़ाओ समझाओ बुझाओ जन चेतना के अवसर दा वहीं में से एक ठो नेतृत्व चयन करा गांव समाड़े गांव गांव से समड़िए तो नगर हुई नगर नगर से जिला हुई जिला से केंद्र हुई केंद्र से तब ना हमारे सरकार में सकल दी कोनो चीज करे सके के लिए ईशन माहौल बा आते विषय इतने करी हमारे देखा जात बा बुद्ध समुदाय का टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर और आज हम लोग अतिथि बाटे लक्ष्मण थारू आते विषय ने हमन के जो ना तन्मयन ने जगह में कार्यक्रम ऐसे होते रहते और आगे पाछे भी अमन की खिचड़ी भरना हो कि अमन के आजकल फगुआ यानी कि होली में भी कार्यक्रम करे लगना तो कैसन कैसन कार्यक्रम कैले पर हमन के समाज और बड़ी बन सकी। अब फगुआ ते हमन के एक ठो अब 12 महीना में एक महीना हमन के फागु पर्व जोन की एक महीना हमारे फागु फगुआ जोन कहल जाली है हमन के पुरान बुढ़ पुरानी लोग गीत गाना जोन बजात रहना बहुत बढ़िया एक आपस में सुख दुख के बद की बदवात रहना गीत के माध्यम से दाजू भाई लोगन मिल के गाना बजाना नाचत अपन एठो रमैलो करत रहना ताकि आए वाला पीढ़ी भी ये सीखा ये सिस्टम सीखे तब प्राकृतिक से लड़ सकिए यहाँ जीवित रह सकिए कही के इकुल काम करत रहना 12 महीने में 12 थरी के कला संस्कृति रहे मन के नाच गान रहे सिस्टमेटिक तरीका रहे वो बहुत सुगम रहे देखल जा वहमें से हम मन के ढेर फायदा होए काहे से दाजू भाई दीदी बहनी गांव घर के सब एक ठाम जुट के गाना बजाना गावल जा नाचल जा कूदल जा वहमें से एक ठो अलग हम मन के एक ठो स्वस्थ हो ना मनिक जीवन में स्वस्थ के हो के खातिर हाँसो चाही हाँसिक चाही बोली बतवाक चाही रमैलो करक चाही जिंदगी में इकुल कैले से शरीर के भी एक ऊर्जा आवाला। हाँ तो हमन के जो है आज के युवा लोग बाटे वैसे देखा जी कि हमन के कितना बेरोजगार बा यानी कि युवा लोग भड़कत बाटे तो मुख्य कारण का होते आखिर जब कहला नहीं जब बूढ़ एक उदाहरण के लिए बूढ़ गाड़ी कितनों सर्विसिंग कैल जा तो एक ना एक चीज बिगड़ते रही एक ना एक चीज टूटते रही ओके बना के फिर चलाई जी फिर का कहना वह हालत रही लेकिन एक जबरदस्त समाज से भिजल के आदमी हर एक चीज था पाइल के आदमी के एक नेतृत्व उ का कहना ओकर सलाह सुझाव प्रतिक्रिया अनुसार समग्र दाजू भाई लोगन उहे लाइन एक बद्ध तरीका से एकजुट होके सलाह सुझाव प्रतिक्रिया लेके आगे बढ़े वाला आदमी के खाँचो बा नेतृत्व में उ चाही हमन के नेतृत्व के बहुत खाँचो बा काहे से हमन के उहे परंपरा उहे समय उहे परिस्थिति अभी तक हमन के तनिक परिवर्तन नहीं होल दिस लागत हमरी। हाँ तो इसने हमन के जो न भर के संपन्न के लिए हर एक चार पर इसने भर के हमन के उसर मागी आते इसने हमन के अब इसने हमन के तमाने महीना में इसने कार्यक्रम करते जाते हमन के असर से समाज के निर्माण हो सकी ते वैसे अंतिम में हमन के जो न असल समाज बनाए बा युवा लोगन के और हमन के बुढ़ पुराने बाटे ओखन के कुछ कह चाह जी हम ते सबसे पहले कहब हमन के बाऊ बाजे बराजी लोग उ लोग भगवान रहोला आज उ लोग नहीं रहल हुई था त आज हमन के सृजना नहीं होल हो उस समय में है उ परिस्थिति में है इतना मेहनत परिश्रम सही खान पीन मूल्य मान्यता संस्कार उ करते लोगन इतना मेहनत करके आज जोन हमन के जोन बिरुआ भइल बाटी जा हमरे एक ठो नया चरण में प्रवेश कैले बाटी हमन के जोन नया चरण में प्रवेश कैले बाटी सबसे पहले वो खन के उहे भगवान देवी देवता कहल जा माता पिता कहल जा
उखान के हमरे फर्ज नहीं अभिन पूर्ण रूप से हमरे उखान के आगे हमरे बहुत छोटा होली हाँ ते उसे हमरे कार्यक्रम में रहते विद्यालय समय हो गई बातें उसे हम लग आज अतिथि रहने लक्ष्मण थारू मोतीपुर से हमने के असल सभी समाज निर्माण कार्य करती का करे परी वहाँ से हमरे विचार आदान प्रदान कर गई इसने हमरे के कैमरा पर्सन नारायण के विशेष धन्यवाद और आप भी बुद्ध समुदाय के टेलीविजन कार्यक्रम संस्कृति सरोवर देखा गया एक करते भी आपके हृदय से धन्यवाद इसने हमरे फिर आपके कार्यक्रम से विदा कर जात बा आपके अमूल्य समय के खातिर धन्यवाद जैसे यहाँ आके हमें बड़ा खुशी लागल एक हिसाब से छोट समय में हमें एक ठो अवसर जो मन के बात कहे कि यहाँ बुद्ध टेलीविजन के में आके बड़ा प्रसन्न बाटी बहुत आभारी बाटी हम राज जी हाँ ते वैसे वैसे हमारे आपके बुद्ध टेलीविजन के ढेर ढेर हम उत्तर उत्तर प्रगति करे करते जाए कह के शुभकामना देख चाहब हाँ ते वैसे हमारे आप देखते रहिए बुद्ध समुदाय टेलीविजन एक हम राज भी आपसे विदा होती नमस्ते नमस्ते।